नमस्ते सर, आज हम चर्चा कर रहे हैं जो सफल लोग हैं उनकी 20 हैबिट्स क्या होती हैं। इस पर अपन 20 मिनट चर्चा करेंगे कि सफल लोगों की क्या हैबिट्स रहती है जिससे वो सफल होते हैं, किन आदतों से। जैसे कि अब्दुल कलाम जी ने भी कहा है कि इंसान की किस्मत जब बदलती जब वो अपनी हैबिट्स बदलता है, अपनी आदतें बदलता है। जिस दिन वो आदतें बदल देता है उसकी किस्मत बदल जाती है। तो इंसान के जीवन में क्या आदतों का महत्व है और वो कौन सी आदत है जो सफल लोग अपनाते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। सर देखिए, तो ऐसे 20 आदतें जो है आज उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, और इन आदतों को जितनी जल्दी आप अप्लाई कर लें उतनी जल्दी आप अपनी ज़िंदगी में वो सब पा लेंगे जो आपको पाना है, क्योंकि आपके हैबिट्स ही आपके सक्सेस के रास्ते को बनाते हैं। तो इन 20 आदतों में सबसे पहला जो आदत आपको बनाना है वो है कि आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हैं वो सुबह जल्दी उठते हैं और जल्दी उठ के सुबह प्लानिंग करते हैं कि उनको आगे क्या करना है और किस तरीके से आगे पूरा दिन उनको निकालना है। तो आप भी जल्दी उठें, और लेट नाइट जो सोने वाले उन लोग जल्दी सोएंगे तो सुबह जल्दी भी आप उठेंगे। बहुत अच्छा सर, जने जो जल्दी उठते हैं वो मतलब उनके दिमाग में पहले से रहता है कि दिनचर्या क्या बनाना है, क्या करना है, और आधा दिन उनका सेफ हो जाता है। हाँ। और कुछ काम जो इम्पोर्टेंट रहते हैं वो सुबह के सुबह मॉर्निंग में कर लेते हैं। फ्रेश माइंड रहता है क्योंकि तो उसका फायदा तो मिलता है। वही कहते हैं ना कि पहले जो आपके जरूरी काम है आप सुबह सुबह कर ले तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं होती। और सर दूसरी हैबिट क्या है? सुबह उठ के अक्सर हम लोग क्या करते हैं, मैसेज चेक करते हैं। तो जो रिच पर्सन रहते हैं, जो सक्सेसफुल पर्सन रहते हैं, उन लोग अक्सर सुबह उठ के मैसेज नहीं चेक करते, ना ही वो व्हाट्सएप चेक करते हैं, ना फेसबुक देखते हैं, ना ईमेल्स देखते हैं। वो सुबह उठ के सबसे पहले अपने पूरे ध्यान करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, योग करते हैं, और अपना ध्यान अपने काम पे फोकस करते हैं जो उसके लिए ज्यादा जरूरी है। तो सुबह उठ के आप सोशल मीडिया का यूज ना करें, ये आपके लिए ज्यादा बेहतर है। अच्छा सर, बहुत अच्छा बताया कि अगर जनरली जो सुबह उठते हैं सबसे पहले अपना व्हाट्सएप चेक करते हैं, सबसे खराब आदत है, और उसी में कम से कम आधा घंटा निकाल देते हैं। हाँ, बल्कि सुबह उठ के कम से कम अपना ये ध्यान रखना चाहिए, सूरज के दर्शन करना चाहिए, मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, ये चीजें करना चाहिए। उसके अलावा नहीं तो सुबह उठ के सबसे पहले अपना व्हाट्सएप चेक करेंगे, उसमें आधा एक घंटा निकाल देंगे। सर तीसरी आदत क्या होनी चाहिए? जो आपके सक्सेसफुल पर्सन होते हैं वो अपने खान पान में बहुत ध्यान रखते हैं, वो हमेशा हेल्दी खाते हैं, अच्छा खाते हैं, टाइम से खाते हैं, डाइट पे पूरा नियंत्रण उनका होता है। तो आप भी अगर अपने डाइट्स पे नियंत्रण नहीं कर पा रहे तो फिर बड़ी दिक्कत आगे हो जाएगी। बहुत अच्छा सर, मतलब अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपना खान पान में लचीला रखना चाहिए। कहा जाता है कि जब भी आप सुबह का खाना खाते तो 80% खाएं, 20% आपके पेट में जगह होना चाहिए काम करने के लिए। अगर जो 100% खा लेते वो एक प्रकार से देखा जाए तो अलाली के शिकार हो जाते हैं। तो खान पान अगर अच्छा रहेगा तो आपका दिमाग चलेगा, क्योंकि पूरा जो शरीर सिस्टम बॉडी का पेटी से रहता है। सर बहुत अच्छा सर, फोर्थ क्या है सर? जो आप सक्सेसफुल पर्सन है वो सुबह उठ के एक्सरसाइजेस और योगा पे बहुत ध्यान देते हैं। तो सुबह अगर आप उठ के पहला काम तो यही करें कि आप एक्सरसाइज करें, योगा करें, और अपने फिजिकल और मेंटल फिटनेस पे पहले ध्यान दें, जो सक्सेसफुल पर्सन हमेशा ही ध्यान देते हैं। बहुत अच्छा सर, मतलब एक्सरसाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ के लिए है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो आप मान के चलिए आपके शरीर में वो नहीं रहती, चंचलता नहीं रहती है, आपका शरीर जल्दी काम करना बंद कर देता है और आपको जल्दी अलादी आने लगती है, और आपका दिन ढलने से पहले आपको ऐसा लगता है कि घर चला जाए। तो एज फैक्टर की भी बात रहती है, एज भी ज्यादा जल्दी उनकी बढ़ती है जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते। पांचवा पॉइंट रिच पीपल्स का ये रहता है कि वो हमेशा बजट बना के काम करते हैं, कि आपको हर चीज का बजट बनाना है। जितना इनकम आप आज ऑन हैंड ले पा रहे हैं उसके हिसाब से एक्सपेंसेस को डिसाइड करें। आप कभी भी बजट को इतना ओवर ना कर दें कि आपको लोन्स लेके काम करना पड़े। तो सक्सेसफुल पर्सन हमेशा ये सोचते हैं कि अपनी इनकम के बेस पे काम करें, जिसको अपने वर्ड्स में भी कहते हैं कि चादर के हिसाब से पैर फैलाते हैं। वो बहुत अच्छा सर, यानी कि अगर आप कुछ कमा रहे हैं 100% कमा रहे हैं तो आपको 20% बचा के रखना पड़ेगा, आगे भविष्य में कुछ भी हो सकता है। और सफल जो पर्सन रहते हैं वो अपने 20% हमेशा बचा के रखते हैं और बाकी फिर वो अपने व्यापार में खर्च करते हैं, अपने खर्चे करते हैं, लेकिन 20% बचा के रखते हैं। और फालतू के खर्चे भी उन लोग अवॉइड करते हैं। जितनी जरूरत है जिंदगी को चलाने के लिए उतने को ही आप करें, बाकी पैसा बचा के रखें फ्यूचर के लिए।
सर सिक्स पॉइंट क्या है सर? छठवां पॉइंट ये है कि जो सक्सेसफुल पर्सन है वो हमेशा लिख के रखते हैं कि उनको करना क्या है। बहुत अच्छा। उनके गोल्स हमेशा डिसाइडेड रहते हैं, वो साल के भी गोल बनाते हैं, महीने के भी गोल बनाते हैं, हफ्तों के भी बनाते हैं और हर दिन का गोल तो सुबह उठ के ही बनाते हैं। तो आप भी अपने गोल्स जो करना चाहते हो उसको जरूर लिख के रखें और ऐसी जगह रखें जो आपके आंखों के सामने रहे, जो दिखता रहे आपको। बहुत अच्छा सर, यानी कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपने हर दिन के गोल बनाएं, हर साल के गोल बनाएं, हर घंटे के गोल बनाएं और आधा घंटे गोल बनाएं। जो सफल लोग रहते हैं वो हमेशा अपने गोल हर दिन का हर मिनट का यूज करते हैं। और सफल इंसान कम से कम दिन के शुरुआत के आधे घंटे वो अपने गोल मैनेजमेंट को ही ज्यादा वो फोकस करते हैं। शुरुआत में एक्सरसाइज करने के बाद गोल बनाते हैं, देन वो आगे का काम करते हैं। आपका दिन बर्बाद ना हो। हाँ। क्योंकि आपके जो साल रहते हैं वो दिनों मिनट पे निर्भर करते हैं। हाँ। कि आपने वो जो पुराना समय वो कैसे गुजारा वो आपकी सक्सेस को बहुत आगे ले जाता है। हाँ। इंसान क्या सोचता है कि हम उसी दिन सक्सेस हो जाएंगे, आपका एक एक सेकंड जो आज आप काम करते हो सफलता को आपको ऊंचाई तक ले जाता है। तो सेवन पॉइंट जो आपके सक्सेसफुल पर्सन का यूज करते हैं वो है एक टू डू लिस्ट बनाना। एक ऐसा लिस्ट है जिस लिस्ट में आपको आज क्या क्या करना है उसकी एक पूरी लिस्ट आप बनाए और उस लिस्ट को शाम को या रात को आप चेक करें कि आपने इस लिस्ट में से कितना काम सक्सेसफुली आज किया। तो ये आप भी टू डू लिस्ट रोज बनाए, दिन में प्लान करें, रात को चेक करें कि आज आपने कितना काम सक्सेसफुल कर लिया है। अच्छा सर, बहुत अच्छा। मतलब आप मतलब लिस्ट बनाकर डिसाइड करें कि कौन सा काम किया, कौन सा काम नहीं किया, कौन सा काम करना था, उसको रोज चेकअप करें, फीडबैक लें। बहुत अच्छा सर, यानी इससे आपकी दिनचर्या में बदलाव आता जाएगा। इसके बाद सर क्या है, नाइन्थ पॉइंट क्या है सर? नेक्स्ट पॉइंट ये है कि रिच पर्सन जो है वो टाइम को मनी मानते हैं। हम लोग के जो नॉर्मल पर्सन सिर्फ मनी को ही हम लोग सब मानते हैं, लेकिन रिच पर्सन कहते हैं कि सबसे बड़ा मनी जो है वो टाइम है। तो अगर आप टाइम को बेस्ट मैनेज कर पा रहे हैं तो आप ज्यादा पैसा कमा पाएंगे, क्योंकि रिच पर्सन ये सोचता है कि हर घंटे हर मिनट में कैसे पैसे कमाऊं, उसका इस पे ध्यान रहता है और ये चीज हम आम आदमियों में एब्सेंस रहता है। बहुत सही सर, मतलब समय ही पैसा है। अगर आप समय बचा लेते तो आपके पास पैसा तो बहुत आना ही है, और कहे आपने आप पैसे को ही समय मानते हैं और आदमी उसी के पीछे भागता रहता है, ये बहुत गलत फहमी है। बहुत अच्छा सर। इसके बाद सर नाइन्थ पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये है कि रिच पर्सन जो है वो हमेशा लॉन्ग लंचेस लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे भारत में खास करके देखा नहीं गया कि हम लोग बहुत कम समय लंच करके जल्दी भाग जाते हैं। रिच पर्सन जो रहते हैं वो एक लंबा समय लंच इसलिए लेते हैं क्योंकि उसमें वो दो वर्क करते हैं। पहला, वो अपनी पूरी एनर्जी को रिगेन करते हैं जो उन्होंने सुबह से लगा दिया है, और दूसरा उस दौरान वो अपनी जो मेंटल जो थकान जो स्ट्रेस होता है उसको भी वो रिलीज करते हैं और एक हेल्दी खाना खाते हैं और कुछ एंटरटेनमेंट उस दौरान वो करते हैं जिससे वो अपनी पूरी एनर्जी रिवाइव कर लेते हैं और जो बचा दिन है उसमें उस एनर्जी को फिर वो यूज करते हैं। अच्छा सर, बहुत अच्छा सही। यानी कि जो रिच पर्सन रहते हैं और जो सफलतम लोग रहते हैं जो कहीं काम करते हैं वो एक घंटा अपने लंच में निकालते हैं। किस लिए निकालते हैं सर? सोचने विचारने के लिए। इस दौरान वो अपने माइंड में सबसे पहले स्ट्रेस को जो है वो मैनेज करते हैं, जो स्ट्रेस पूरे दिन में आ चुका था, जो थकान थी उसको मैनेज करते हैं, और कुछ अच्छा मीनिंगफुल वीडियो इस दौरान वो देखते हैं जिससे उनको बहुत अच्छा फील अप होता है, और उस दौरान वो अच्छा खाना भी पौष्टिक खाते हैं जिससे उनकी एनर्जी मेंटेन हो सके। अच्छा, ये देखा भी गया बड़ी बड़ी कंपनियों में एक घंटे का लंच दिया जाता है। इस कारण से दिया जाता है, और इस दौरान कई जो सक्सेसफुल पर्सन है वो कुछ स्मॉल गेम्स भी वहाँ पे खेलते हैं। बहुत अच्छा सर। सर दसवां पॉइंट क्या है सर? जो सक्सेसफुल पर्सन है वो पढ़ते बहुत है, तो कोई भी अच्छी वोकेबुलरी, कोई अच्छी किताब, कोई अच्छा अगर राइटर आपके पास है, आप अगर उसकी किताबें पढ़े तो इस सबकी मेंटली बहुत विकास होता है। तो बहुत सारे हमारे पास आजकल ऑनलाइन बुक्स भी आ गई है, तो आप उनको भी सुन सकते हैं। तो रिच पर्सन पढ़ते बहुत है, सुनते बहुत है और अच्छी अच्छी चीज़ों को लगातार देखते रहते हैं। बहुत अच्छा सर, आपने अभी 10 पॉइंट हमें बताए और अभी तो 10 पॉइंट और बचे हुए हैं जो जानने की इच्छा मेरे को अंदर बहुत है, तो और छात्रों की भी बहुत होगी, यूथ की भी बहुत होगी। तो अगले वीडियो में हम 10 पॉइंट और लेके आएंगे सर। जी, इसी के बाद, क्योंकि अगर वीडियो अगर लंबा होगा तो दर्शक देखना पसंद नहीं करते हैं। ऑफकोर्स यही है कि आप आधे वीडियो अभी 10 पॉइंट्स को पहले आप अपने लाइफ में लाए और उसको अपने दिमाग में अपने गोल्स में इस तरीके से सेट कर ले कि आपके हर टारगेट ऑन टाइम पूरा हो, चाहे कैसा भी समय आपके सामने हो। हाँ, आप 10 पॉइंट देखने के लिए अगला वीडियो और देखें, अभी 10 पॉइंट और बचे हैं। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।